Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Hello everyone, कैसे आप सब लोग? I hope आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे. आज हम लोग एक सोफा लेने जा रहे हैं. हमारा लिविंग रूम का सोफा है ना, बहुत नीचे नीचे आ गया है. संतोष है ना, बैठने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है उसमें. ये अच्छा है ना. तो सोफा लेने के लिए आया तो देखा तो इधर गार्डन फर्नीचर भी है ना, बहुत अच्छा अच्छा है. ये चेयर बहुत अच्छा है ना. चेयर ये अच्छा है. ये सेट अच्छा है. देखिए डाइनिंग चेयर है ना, ये एडजस्ट कर सकते है, बड़ा कर सकते है. और ये पूरा सेट का टोटल प्राइस है. संतोष को बहुत पसंद आ गया, मुझे भी. नहीं. हाँ वो दोनों सेम प्राइस का है, ये थोड़ा कम है इसका प्राइस है. ये बहुत छोटा है ना. हाँ ये बहुत सुंदर है. सबसे पहले देखा है ना वो गार्डन चेयर, हम लोग को बहुत पसंद आ गया. लेकिन जो देखने के लिए है ना लिविंग रूम सोफा, वो देखने के बाद हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे. सोफा अभी तक मुझे जो पसंद, मैं जो सोच रहे हैं वैसा वाला. हाँ वो सोफा फिर भी थोड़ा अच्छा है. लेकिन डालने के बाद हमारा रूम भर जाएंगे. देखो हमारे पास अभी एक्सैक्टली सेम सोफा है, क्योंकि इधर से ही लिया था. अभी भी ऐसा ही है, कुछ खराब नहीं है. लेकिन संतोष को लग रहा है वो नीचे आ गया, नीचे आ गया. देखो ये भी नीचे ही है. सोफा लेने के लिए गया, सोफा के अलावा बाकी सब कुछ लिया. कुछ भी पसंद नहीं है सोफा, कुछ भी पसंद नहीं है. अभी ऑनलाइन कुछ देखना है. लेकिन गार्डन का वो मतलब सोफा अच्छा लग रहा है. तो मेजरमेंट लेने, मतलब मेजरमेंट लेके फिर जाएंगे हम लोग. जाएंगे नहीं, अब ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे. मेरे ख्याल से तुम जाओगे, क्योंकि शॉपिंग करने के लिए तुम ही जा सकते हो. मैं टायर्ड हो चुका हूं. मैं हमको लगा आई कॉल्ड अच्छा एंड यू वर इन टीके मैच एंड शी वाज लिटरली नियरली असलीप. यू सिटिंग ऑन अ चेयर नियरली असलीप. नहीं बदल गया, मतलब इंसान बुढ़ा हो रहे. पहले मैं शॉपिंग के लिए आया था ना, मेरे पीछे पीछे खड़े होकर कितना भी मैं सबको बोलते, शायद आप लोगों को बोलते, संतोष कभी भी थकते नहीं था. एस्पेशली कपड़े का शॉपिंग के लिए गए थे ना, संतोष ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते मुझे, ये ले लो. नहीं सबको नहीं, अच्छा को हमेशा ऐसा था. लेकिन आज क्यों बोर हो गया, टीके मैक्स गया है ना, उधर प्लांट का शॉपिंग हो रहे थे, प्लांट और पोर्ट का शॉपिंग हो रहे, तो बोर हो गया महाज. तुम जाकर शॉपिंग कर लो, ये मेरा ही सच्ची नहीं. और ये मैडम गिफ्ट रैप लेके बैठा है, अभी तक रैप नहीं किया है. एक श्रुति के घर जा रहे हैं आज हम लोग. देखो संतोष को बोर इसलिए लगा, मैंने देखो ये प्लान ले, लेकिन ये टीके मैक्स से नहीं है, एमएनएस से लिया मैंने. मुझे बहुत टाइम से ये प्लान चाहिए था, तो ये एक लिया. और फिर लिया है देखो, मुझे एक्चुअली स्टोन का चाहिए था. हाँ वुडन दिखने में अच्छा है, लेकिन स्टोन का चाहिए था. हाँ लेकिन इसमें लिखा था ये इंडिया से, मेड इन इंडिया है, तो मैंने सोचा नहीं ये ही ले लेते हैं. और ये भी मेड इन इंडिया है, वॉश किया है वो. हाँ वॉश किया है, कल रात को किया था. और ये मैंने वेट लॉस से लिया था. वेट लॉस करने के लिए लिया, ये मैंने वेट लॉस के लिए लिया है. वेट लॉस से लिया, सब ने ऐसे उठाई डंबल्स नहीं, वेट लॉस. और ये सब माइलो का वाइप और खुशी का सॉप, खुशी का यही एक सूप सॉप सूट करता है सैनिक्स. ओए क्या बोलते तू, मां गिव मी द केक. और आज क्या हुआ है बता दो खुशी. आज है ना मैं और अच्छा किंगस्टन गया था,
उधर मेरी एक फ्रेंड को मिला है, मेरा सब्सक्राइबर भी है, तो उनकी बेटी है, तुमसे छोटी है, उनकी बेटी ने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सपना देखा है कल, हम लोग उनके घर गया और माइलो को लेके गया, खुशी को पूछा, खुशी मैं माइलो को लेके वो के लिए जा सकते है, और खुशी ने बोला हाँ, फिर वो फिर खुशी वो के लिए गया, माइलो को लेके वो के लिए गया, और उन लोग वो बात कर रहे हैं तो देखा सीधा हम लोग हमारे पास ही आया। वैसे उनकी बेटी को पेट्स बहुत पसंद है, कैट ज्यादा पसंद है। श्रुति के घर जा रहे हैं, संतोष और भी गाड़ी में बैठा है, मित्रों के घर में जल्दी आए, हाफ आन आवर मैक्सिमम, नहीं तो एक घंटा। चुंगसी नहीं आ रहा है क्योंकि चुंगसी कुछ पढ़ाई भी है और माइलो को भी देखना है ना, हमेशा मैं श्रुति के पास गया था रिकॉर्ड करती, लेकिन इस बार नहीं क्योंकि छोटी बच्ची है ना, एक साल होने दो, और है श्रुति का पेरेंट्स भी है, मतलब इन-लॉज भी है उधर, जाकर ना बहुत टाइम हो गया, थोड़ा बात सब करना है ना, इसलिए मैं इस बार रिकॉर्ड नहीं करूंगी, लेकिन आकर मैं बताऊंगी हमारा श्रुति के बेटी का नाम क्या है, वो सब मैं बताती हूँ, नामकरण सब हो गया। I've seen a picture of her and she is literally so so cute guys, like really really cute. Bye. हम लोग हाफ एन आवर के लिए गया, अभी टाइम 8:30, अभी टाइम 8:30 हो गया और इधर का हालत है, बहुत क्यूट बच्चा है, श्रुति जैसा है, लियो बिल्कुल बहुत क्यूट है, और वो देखकर संतोष का मन में भी लड्डू फूट गया, मतलब लड्डू फूट गया मेरे मन में, अभी लड्डू फूटने के लिए तीसरा बच्चा का, किसके मन में लड्डू फूटता है वो बता रही थी, वो तीसरा बच्चा, हां ये अंजू के मन में जरूर मन लड्डू फूटा है, और भी चाहिए शुक्र, और बच्चे का नाम मैं बता सकते हैं, इट्स सच अ प्रीटी नेम, बता दो नाम, बता दो अनीशा, इट इज सो प्रीटी एंड सो क्यूट, अनीशा सम्मानिता और अनीशा, मतलब इतना दोनों इतना क्यूट है ना, और इधर देखो आक्रांत है, श्रुति ने ये ये दिया था, इतना आक्रांत है, आक्रांत फिर नला है ने, आक्रांत फिर अंदर है जो बस आक्रांत और आक्रांत एक्सप्लेन, मैं इधर बच्ची के बारे में बोल रहे हैं, आप खाना खा रहे खाना खा रहे खाना खा रहे, ये होता है जो चीज मीठे स्वीट टूथ को स्वीट अगर मिलता है तो क्या होता है, वही चीज हो रहा है, बच्ची के बारे में तुमने बताया, जस्ट लव्ड इट, और सबसे ज्यादा खेले मेरे, मैंने खेला, हां संतोष ने सबसे तो क्या दूर जाके बैठ गया, हां 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 मैं श्रुति के साथ बात कर रहा था, दैट्स द डिफरेंस, मैं श्रुति को मन में केवल इच्छा है, नहीं मैं श्रुति को कितने टाइम के, आई एम द वन हु नोस, दैट्स मैं बोलूं, आई सब बोलने, ये दोनों संतोष है ना, श्रुति का हस्बैंड संतोष, दोनों संतोष है ना, बीच बीच में मिलते हैं, लेकिन मैं और श्रुति कितने महीने, पैकिंग हो गया, आप लोग सोच रहे होगा पैकिंग किसके लिए कर रहे हैं, एज यूजुअल संतोष के लिए पैकिंग कर रहा है, संतोष आज जा रहा है हांगकांग, अभी पूरी का होगा तब तक, उसी स्कूल से आई उसका मस्ती है, अभी वो ऑफिस में, ओ अंगोरे वो ओके, हां बाय, हां ओके, और अभी ऑफिस में थोड़ी देर के बाद आएगा, तो मैंने सोचा जब तक वो ऑफिस आएगा तब तक पैकिंग सब कर लेते हैं, तो थोड़ा टाइम मिलेगा ना बात सब करने के लिए, और आप लोगों से बहुत सारा सवाल आ गया है, जो विशु व्लॉग में मैं पहना था ना ज्वेलरी, स्पेशली वो नेक पीस, वो किधर से लिया है, तो डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी बाइक लेते हैं, बाइक का बात करते हैं, आप लोगों से कुछ लोग पूछा था ये गोल्ड है, बिल्कुल नहीं, वैसा गलती मैं कभी भी नहीं करूंगी, इंडिया से गोल्ड लेकर आकर, हाँ छोटा मोटा गोल्ड है तो ठीक है, लेकिन अगर इसका गोल्ड मैं बना दिया तो कभी भी मैं इधर लेकर नहीं आऊंगी, उतना रिस्क मैं नहीं लूंगी, वो स्टोरी बाद में बताएंगे, सबसे पहले दिखाती हूँ, देखो गोल्ड नहीं है, देखा बहुत सुंदर से एक नेक पीस है इसका, इधर भी देखो ऐसा वाला डिजाइन है, कैमरे में क्लियर आ रहा है मुझे मालूम नहीं, पिंक कलर का स्टोन्स है,
पता नहीं कैमरे में कितना लोग नहीं देखा है, विशु व्लॉग नहीं देखा है, प्लीज एक बार जाकर वो व्लॉग देखना, और नहीं देखा तो देखो। पहनने के बाद ऐसा रहेगा लेकिन सेट्टी मुंडो के साथ और अच्छा लगेगा। इसके साथ मतलब ये नेक पीस है ना, देखो ये ड्रेस के साथ भी अच्छा लग रहा है, देखो नहीं एकदम रियल लगता है ना, लेकिन रियल नहीं है। और इसके साथ एक मैचिंग इयर रिंग्स भी, ये पता नहीं ये साथ में लिया है सेपरेट सेपरेट लिया है मुझे मालूम नहीं है। और ये लिया है मैंने अडोरना, देखा ये शॉप से लिया है। इधर ही बैठकर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया, एक साल हो गया लेकिन इधर नहीं मिलता है, इंडिया में ऑर्डर किया मैंने। मुझे हमेशा इच्छा था विशु और ओणम में ना कुछ अच्छा ज्वेलरी पहनना, ये विशु और ओणम हमेशा इधर ही मनाते हैं ना, तो उसी के लिए लिया है। लेकिन इधर ये नहीं मिलेगा, इधर बैठ कर ऑर्डर किया लेकिन यहाँ इंडिया में मेरे घर में आया था, तो इस बार मैं गया तो लेकर आया, तो नेक्स्ट डे मैं इंडिया गया तो है ना इसका गोल्ड में बनवा दूंगी, क्योंकि इयर रिंग्स मुझे बहुत पसंद आ गए। ऐसे भी ठीक है लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कोई आ गया एक मिनट जल्दी जल्दी बोलते हैं, ये पार्ट है ना शायद टूट जाएगा, अभी नहीं अभी एकदम स्ट्रॉन्ग है लेकिन कोई ना कोई तो टूटेगा है ना। गोल्ड में है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ज़्यादा नहीं पहनते हैं ना। एक मिनट और खुशी का काम है, स्कूल से आकर देखो कितना बैग लेकर जाना पड़ता। ओ एक मिनट मैंने अभी नोक चलो बोलो एक घंटे से बोल रही झूठ बोलते हैं वीडियो बना रहे थे ऊपर था चावी लेके जाना था चावी लेके जाना था तो संतोष कुमार आ जा रहे हांगकांग आ जाएंगे एक घंटे के बाद 10 बजे का फ्लाइट है। तो अभी सीरियस टॉपिक पे आते हैं, जो भी यूके आ रहे हैं ना जो नए नए लोग हैं उनके लिए बोल रहे हैं कभी भी गोल्ड लेके मत आना, बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि इधर जितना भी चोरी होते हैं ना वो एशियंस को ही टारगेट करते हैं, स्पेशली इंडियंस को, क्योंकि हमारे पास गोल्ड है ऐसा उनको लगता है। बहुत सारे लोग लेके भी आते हैं क्योंकि इधर चोरी हो गया तो बिना पुलिस कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो भी एक्सपेंसिव आइटम्स है ना सबका इंश्योरेंस लेके रखना पड़ता है, तो वो गया तो भी है ना इंश्योरेंस का वो दिखा दिया तो पैसा शायद हम लोग को मिलेगा पैसा। या मेरी एक फ्रेंड है उनका तो पूरा ज्वेलरी गया था, पूरा ज्वेलरी शादी का जितना भी ज्वेलरी है ना लेकर आ गया तो पूरा चोरी हो गया उनका, पुलिस आ गया देखा तो वो पूरा पैसा उनको मिला है या वो इंश्योरेंस का दिखा दिया तो पूरा ज्वेलरी उनके पास है, जितना गोल्ड गया उतना गोल्ड उनको वापस मिल गया, लेकिन वो सेम ज्वेलरी नहीं है ना, शादी का ज्वेलरी है तो एक इमोशन रहता है ना उसके अंदर, तो वो बोलती थी हमेशा तो ऐसा था। हाँ वो सब याद नहीं वैसे अलर्ट और ब्रश हूँ। तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट मैंने सुना है, वो भी एरिया के ऊपर, मैं हमेशा बोलते हैं ना कुछ कुछ एरियाज है उस एरिया पे ज़्यादा होता है, टचवुड हमारे एरिया पे मैंने आज तक नहीं सुना ये सब। फिर क्या है, हाँ बहुत सारे लोग इधर आकर लॉकर में रखते हैं गोल्ड, उसका भी है ना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ जब तक गोल्ड लॉकर में रहेगा तब तक बहुत सेफ है, लेकिन ऐसा इंसिडेंट हुआ है मेरी अभी एक दोस्त रिसेंटली मुझे बता रहे उनके एक दोस्त था वो इंडिया गई थी परमानेंटली शिफ्ट होकर इंडिया गई थी सिर्फ गोल्ड लेने के लिए, वो इधर आ गई, वो इधर लॉकर में रखा था वो लेने के लिए आई, लॉकर जाकर गोल्ड लेकर आया, रास्ते में है ना कुछ पेट्रोल पंप में रुका तो उसी समय कोई वो लोग वो शॉप के अंदर पेट्रोल पंप में शॉप सब रहता है ना उसके अंदर गया, उसी समय कोई आकर कार ग्लास तोड़कर गोल्ड सब लेके गया, पूरा उनका गोल्ड गया, बहुत सारा गोल्ड था सब कुछ गया है। फिर ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बैंक से लॉकर से बैंक जाकर लॉकर से गोल्ड लेकर आते हैं, वो रास्ते में ही कभी ना कभी रुकना पड़ता है ना किधर पेट्रोल भरने के लिए, ऐसा नहीं रुके तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर रुक गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है मतलब गोल्ड गायब हो जाता है, तो वो गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। जो भी आपका गोल्ड है वो इंडिया में लॉकर में सेफ रहेगा। और इधर फेस्टिवल के लिए चाहिए ना उस समय देखो ऐसा आर्टिफिशियल इतना इतना अच्छा मिलता है ना, वो पहनने के बाद भी देखो बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है ना, देखो ये सब किधर बोलते हैं गोल्ड नहीं है तो आर्टिफिशियल ही ले लो, लेकिन
दिया, लेकिन गोल लेकर आने का ये गलती बिल्कुल मत करना। हम लोग आइल ऑफ वेट गए ना, उधर का आधा चीज इसके अंदर ही। हमेशा ऐसा इतने इतना डायलॉग बोलते, तुम टेंशन मत ले लो, मैं आकर है ना पैकिंग करते है, मैं पैकिंग करते है, लेकिन और ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं और लॉस्ट मिनट, अभी देखो आकर बोल रहे अभी निकलना है, अभी निकलना नहीं है, सात बजे अभी टाइम कितना हुआ, छह तो अभी मैं व्लॉग एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी संतोष के साथ 5-10 मिनट ही मिलेगा बात करने का, उसके बाद वो जाएंगे। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हाँ शेयर जरूर करना, ठीक है, हम लोग को जल्दी जल्दी 100 के होना है ना, हाँ वो वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब भी करना भूलना नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।